श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग, अगर आपने अपने जीवन में बहुत सारे व्रत कर लिए शिव जी के और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, उसके बाद भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आपका जो कोई काम है जो अटक रहा है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान है, या आपको पैसों से लेकर समस्या है, या आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, या फिर आप नौकरी से लेकर परेशान है, अगर ये सारी समस्या आपकी है तो ये उपाय भी आपके लिए ही है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। इस उपाय के लिए आपको सरसों का तेल चाहिए, लेकिन उपाय से और जाने से पहले आप अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखे। चलो उपाय की ओर चलते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप एक लोटा शुद्ध जल का ले लीजिए। मैं आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल कटोरी में, और उसके बाद आपको लेना है एक दीपक। ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवजी के मंदिर। शिवलिंग के पास बैठकर सबसे पहले आप एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप सरसों का तेल लेकर आए हैं उस सरसों के तेल को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको अच्छे से लेपन करना है। उसके बाद आपको मनोकामना करनी है, जो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप एक दीपक लगा लीजिए और वो दीपक शिवजी के लिंग के पास रख दीजिए। फिर आप फिर से एक लोटा शुद्ध जल शिवजी के लिंग पर अर्पित कर दीजिए। जो आपने सरसों का तेल का जब आपने अर्पण किया है वो अच्छे से धुल जाए, इसलिए फिर से आपको एक लोटा जल फिर से चढ़ा देना है। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल आप नंदी जी पर अर्पण कर दीजिए और फिर से आपको मनोकामना करनी है, जो आपने शिवजी से कही है वो फिर से आपको नंदी जी को कहनी है। वापस से आप शिवलिंग के पास आइए और जो आपने दीपक लगाया है उस दीपक से आप शिव जी की आरती कर लीजिए। ये उपाय करने के बाद आपकी जो भी समस्या है वो सारी खत्म होने लगेगी, आपका हर अटका हुआ काम बनने लगेगा और आपके घर में फिर से खुशी आने लगेगी, या फिर आप पैसों से लेकर परेशान हैं तो ये सारी समस्या खत्म होगी इस छोटे से उपाय से। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको समय मिल जाए, सुबह करें या शाम को करें। छोटा सा उपाय आपको जरूर करना है, चूक नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।